अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। और बताती चलूं कि आप लोग देख रहे हैं देसी लाइफस्टाइल और मैं हूं मारिया। और बताइए कि आप लोग सब कैसे हैं, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगियों में। बच्चों की तो आजकल छुट्टियां बढ़ चुकी हैं, तो वो तो घरों में ही हैं। और बच्चों की छुट्टियां जहां बढ़ती हैं, तो साथ ही माओं का जो काम है वो भी बढ़ जाता है बच्चों की वजह से। अभी ये मेरे सामने इतने सारे टमाटर जो पड़े हैं, मैंने सोचा क्यों ना इनका ना पेस्ट बनाकर मैं फ्रीज़ कर दूं। इस तरह आसानी हो जाती है सालन बनाते हुए, फटाफट से बंदा मसाला तैयार करके कोई भी चीज़ बना लेता है। लेकिन ये काम ऐसा है ना जिसको करने के लिए बंदा 10,000 दफ़ा सोचता है कि अभी करें कि ना करें। कभी सुस्ती आ जाती है, कभी कोई और काम हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से एक्स्ट्रा काम ही निकल रहे होते हैं। तो मैंने भी 2-3 दफ़ा सोचा था इससे पहले, लेकिन मैं कर नहीं सकी। तो अब शुक्र है कि फाइनली मुझे टाइम मिल गया है इसका पेस्ट बनाने के लिए। तो बस मैं अब जल्दी से बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि साथ साथ काट के तो साथ ही इसको पेस्ट बनाती जाऊँगी और उसको किसी बर्तन में डालती जाऊँगी, लेकिन उस तरह मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो एक दफ़ा इनको एक काट लेती हूँ और उसके बाद एक दफ़ा ही पेस्ट बनाऊँगी। और ये जो मेरी नाइफ़ है ना, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। टमाटर काटते हुए मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही है, तो मैं जल्दी से इसको ना वो जो तेज़ करने वाला होता है उस पर तेज़ करके आती हूँ, ताकि मेरा काम तो ज़रा जल्दी से निपटे। इनको पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। वैसे जितना जल्दी मैं कह रही हूँ इतना जल्दी होगा नहीं, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लग जाएगा इसका जो पेस्ट है उसको पकने में भी, क्योंकि काफ़ी इसमें पानी की क्वांटिटी हो जाती है। तो जब इसको मैं चूल्हे पर चढ़ाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा देर लगेगी इसमें इसको पेस्ट बनने में, लेकिन ये काम करना भी ज़रूरी था। और फाइनली मेरे तमाम टमाटर जो हैं उनका पेस्ट बन चुका है। अब बस इसको पकाने का काम रह गया है। ग्राइंडर है, इसका जग भी था, लेकिन बस मैं अपनी सुस्ती की वजह से इसको निकाल के नहीं ला सकी, वो सामान में ऊपर पड़ा हुआ था। करती रही कि चलो इसी से काम चलाती हूँ। तो ये छोटा था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग गया है इसी वजह से। और अभी मैं इसको पका लूँगी और अच्छा खासा टाइम लगेगा इसके इसका जो पानी है इसको सूखने में। इसको मैं ढक के पका रही हूँ और साथ साथ चम्मच भी लूँगी ताकि ये लगे ना। और ढक इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें से छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, सारी दीवारों पर और यहाँ वहाँ मैस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको कवर कर दूँगी। टमाटर का पेस्ट पकने के लिए मैंने रख दिया है। और साथ ही मैं अब सागूदाना बना रही हूँ, मतलब खीर बना रही हूँ इसकी। और जैसा कि आपको बताया था कि बेटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इस वजह से उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरा छोटा जो फूड इंस्पेक्टर है वो मेरी चेकिंग के लिए पास ही खड़ा था। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रखा है। जब ये थोड़े से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो तब मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। अच्छा, कई दफ़ा मैंने YouTube पर देखा है कि जो इंडिया के लोग होते हैं, वहाँ के जो रहने वाले होते हैं, वो लोग सागूदाना की खिचड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में मैंने कभी भी किसी के घर में पकते हुए या खाते हुए नहीं देखा किसी को भी, और ना कभी किसी से सुना है। तो ये एक यूनिक सी डिश है। अब पता नहीं टेस्ट इसका कैसा हो, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले हैं ना, इंडियन जो हैं, वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं और उनकी जैसे घरों में मुसलसल बनती रहती है। सोच रही थी बनाने की, लेकिन क्या पता है कि हमें अच्छा लगता है या नहीं, क्योंकि हम लोग तो सागूदाना जो है वो इसी फॉर्म में खाने के आदी हैं, और वो भी कभी जब बीमार होते हैं तो तब। अदरवाइज़ तो वो भी इतना ज़्यादा हमारे घरों में नहीं खाया जाता, क्योंकि उसमें एक बीमारों वाली फीलिंग आती है जैसे जो खा रहा हो। मेरा सागूदाना बन चुका है और मैंने बेटी को खिला भी दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं जो टमाटर का पेस्ट है इसको सुबह ही पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ करूँगी, अभी फ्रिज में रख दूँगी,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि सुबह और हज़ारों काम निकल आते हैं, तो इस वजह से अभी ही मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, रात हो गई है, और अभी मैं आपको थोड़ी देर में टाइम ही दिखाती हूँ। लेकिन अगर मैं सुबह तक छोड़ देती तो फिर ये काम जो है ना मज़ीद लटक जाता, जो मैं नहीं चाह रही थी, क्योंकि इस तरह के जो अगर काम लटक जाएँ तो वो फिर पड़े ही रहते हैं, और अगर एक दफ़ा फटाफट से उसको करने के लिए खड़े हो जाओ तो फिर ख़त्म हो जाता है, अदरवाइज़ इसको बहुत मुश्किल होता है निपटाना। हालांकि मैं इस टाइम मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मैं बहुत ही थक गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इस काम को ना फिनिश करना है। और ये देखिए अभी तकरीबन 9:45 का टाइम हो रहा है और बच्चे तो सो चुके हैं, लेकिन मैं अपना काम मुकम्मल करने की चक्कर में किचन में आई हुई हूँ, और काम ही मेरा तकरीबन मुकम्मल ही समझ लें। पैकेट सारे मेरे बन चुके हैं और अब इनको मैंने फ्रीज़र में रखना है। ये देखें इस तरह के पैकेट्स मैंने छोटे छोटे बना लिए हैं, और ज़रूरत के मुताबिक इंसान वो पैकेट निकाल के इस्तेमाल कर लेता है। और इस दफ़ा मैंने इस तरह पैकेट्स बनाए हैं, वैसे ज़्यादातर जो है मैं जो आइस क्यूब ट्रे होती है उसमें फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये शॉपर्स घर में पड़े हुए थे तो मैंने इसी में बना लिए हैं। और ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, दिन का टाइम है, 12:15 का टाइम है, और मैं बच्चों की फरमाइश पे फ्राइज़ बनाने लगी हूँ, और वही सिंपल फ्राइज़ ही हर दफ़ा बनाते हैं। इस दफ़ा मैंने सोचा कि एक दो चीज़ें इसमें डाल के थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी आपको ये जो बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें है 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर का मैंने लिया है, और अभी मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। जितना आपको पसंद है नमक आप रख सकते हैं, और ये एक ने फेंट के रखा हुआ था, और ये मैं पूरा नहीं डाल रही, तकरीबन पौना समझ लें कि मैंने इसमें अंडा शामिल किया है, और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका एक पेस्ट बना रही हूँ, और फोक की मदद से मैं ये कर रही हूँ, इसको स्मूथ कर रही हूँ। और अभी मुझे इसमें ना लम्ब्स फील हो रहे थे, इस फोक की मदद से सही मुझसे डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, तो मैं अभी इसको विस्क की मदद से करूँगी। किचन में ये विस्क का होना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मुझे तो बहुत ही ये फ़ायदे की चीज़ लगती है, क्योंकि जो चीज़ हमसे फोक की मदद से डिसॉल्व ना हो तो वो बहुत ही आसानी से इससे हो जाती है। और अभी मैंने एक आध मिनट भी इसको नहीं चलाया और ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हो चुका है, और हमारा ये बैटर तैयार है। अब मैं फ्राइज़ इसमें डिप करके तो फ्राई कर लूँगी, ऑयल गर्म होगा अच्छी तरह तो उसके बाद ही मैं इसमें डाल रही हूँ, और बहुत ही मज़े के इससे बनते हैं, एक जो कोटिंग आ जाती है वो बहुत ही मज़े की क्रिस्पी जो फ्राइज़ के ऊपर होती है, तो वो बिल्कुल उसमें मार्केट वाला टच आ रहा होता है। हालांकि घरों में जो हम बनाते हैं वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाते हैं, मतलब नमी आ जाती है, लेकिन ये जो हमने इस बैटर में इनको डिप करके फ्राई किया है तो इसकी वजह से बिल्कुल भी वो सॉफ़्ट और नमी नहीं होगी, बल्कि बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से हो जाते हैं, और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें ना वो बाज़ार के चिप्स वाला एक टच आता है, और बच्चों को तो बाहर की चीज़ें वैसे भी पसंद होती हैं ज़्यादा, तो उनको ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, थोड़ा सा ये जो कोटिंग है इसकी वजह से मज़े के हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं, आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। और अभी बस मेरे ये चिप्स रेडी हो चुके हैं, मैं बच्चों को फटाफट से खिला देती हूँ, और आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।